नमो नमः विद्यार्थियों, माउंट लिट्रा जी स्कूल सूरत में आप सबका स्वागत है। आज मैं नौवीं कक्षा में से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ लेखिका बचेंद्री पाल द्वारा रचित है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि लेखिका बचेंद्री पाल अपने इस पाठ में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ में किस प्रकार वर्णन करती है अपने रोमांचकारी यात्रा का। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। पाठ का सार इस प्रकार है। यह अभियान 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर शेरपा जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को जब वे पेरिस पहुंचे तो वहां पर हिमसंकलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमसंकलन से अभिप्राय है बर्फ का गिरना। तो जब लेखिका अपनी यात्रा आरंभ कर रही थी तो 26 मार्च को उन्हें सबसे पहली खबर जो मिली वो यह मिली कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियां और झंडियां भी लगा दी गई हैं, परंतु यदि हिमपात इसी प्रकार होता रहा तो यह काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई है। लेखिका और उनके साथी जो थे सकारात्मक दृष्टिकोण में नहीं थे, आशावादी दृष्टिकोण से इस यात्रा को आरंभ नहीं कर पा रहे थे। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की भी जानकारी दी। बेस कैंप में तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे तो उन्होंने उसकी प्रशंसा में, लेखिका की प्रशंसा में कहा था कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। कैंप तहस नहस हो गया था, हर व्यक्ति चोट से ग्रस्त हुआ था और यह एक बहुत ही साहसिक कार्य था। कर्नल खुल्लर ने इस
घटना के पश्चात जब बचेंद्री से पूछा कि क्या वह वापस जाना चाहती है, तो बचेंद्री ने उत्तर दिया नहीं। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बचेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की, जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला, उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। की उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वे कृतज्ञ हुआ, उसे जूस पिया और बचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गए। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लहाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंग दरोजी और लेखिका के बीच में संतुलन बनाए रखा और संतुलन बनाने के लिए वह बीच में चला। लहाटू ने इस समय यह भी देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई ऑक्सीजन की। अब बचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी और अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे, दृश्य दिखना बंद हो गया और बचेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई और यह 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। सामने हजारों मीटर लंबी जो थी ढलान थी। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया, फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथा के ताज का चुंबन किया। अपने थैले में से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेट कर बर्फ में दबा दिया और इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंग दरोजी को धन्यवाद किया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की भी बहुत याद आई। अंग दरोजी ने भी उसे गले लगाकर बधाई दी। उसके बाद फोटो लिए गए। लहाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए लेखिका से कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, आपने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ में जाना कि यह बचेंद्री पाल द्वारा रचित है और किस प्रकार उन्होंने अपने इस पाठ में रोमांचकारी वर्णन को किया है, तो ये पाठ का सार आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।